यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम हर साल दो बार होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आप एग्ज़ाम क्यों देते हैं? आपको ये एग्ज़ाम से क्या क्या फ़ायदा है? ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करके मिल सकती हैं? ये वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम क्यों दें एंड आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे एंड व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ यू विल बी हैविंग आफ्टर गिविंग एनटीए नेट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट आप जब नेट का एग्ज़ाम देते हैं देर आर टू थिंग्स जो कि आपको हमेशा कॉलम में दिखाई जाती हैं, दैट इज़ लेक्चररशिप एंड दूसरा आपका है JRF। अब जब भी नेट का एग्ज़ाम देंगे आपको मेजरली यही दो चीज़ों में फोकस करने के लिए बोला जाता है, बट यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर डिटेल में दैट व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्लियरिंग योर UGC NTA नेट एग्ज़ाम। तो आप ये एग्ज़ाम क्यों दें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इसमें मेजर पॉइंट है दैट इज़ लेक्चररशिप। आप एग्ज़ाम देते ही इसलिए हैं, मोस्टली बच्चे ये एग्ज़ाम देते ही इसलिए हैं एंड जो इसकी मेजर अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जब आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आप जब JRF भी हो जाते हैं, आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, DU में अप्लाई कर सकते हैं, आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई इन एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक MED यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं एंड आपका सिलेक्शन ज़्यादा जल्दी हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी और जल्दी मिले उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ अगर आपके पास MPhil की डिग्री है, आप एक MPhil होल्डर हैं, प्लस अगर आपकी पास PhD की डिग्री है या फिर आप PhD में एनरोल्ड हैं और आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट गुड जर्नल्स में आपके कुछ आर्टिकल्स हैं। गुड जर्नल्स से हमारा मतलब है आपके पास UGC जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स आए हों एंड वो जर्नल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी जिनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर। तो आप ये ज़रूर देखें कि जब भी आप UGC के जर्नल्स की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जिनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर हो, जो बहुत ज़्यादा नोन हो, जहाँ पर आप अपना आर्टिकल दे सके। तो जब भी आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि आपके कितने आर्टिकल्स हैं, आपने कहाँ कहाँ लिखा है, जिसमें UGC के जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने PhD किया है या फिर नहीं किया है। नेट का एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर लेंगे बट उसके साथ साथ अगर आपके साथ ये चीज़ें और हैं तो आपके चांसेस लेक्चरर बनने के और बढ़ जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट लेक्चररशिप। देन कम्स योर जूनियर रिसर्च फेलो। जब आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जब आप उसमें JRF क्लियर कर लेते हैं, JRF का मतलब ये है कि जब आपका रैंक हाई होता है, सपोज अगर नेट का कट ऑफ गया है 52 to 58% और JRF का गया है रैंक 61 to 65%, तो जो बच्चों का रैंक वहाँ पर आया है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन वर्क एज अ जूनियर रिसर्चर, जूनियर रिसर्च फेलो, जहाँ पर उनको पे भी किया जाता है अच्छा खासा, या फिर वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जब आपका JRF नेट क्लियर होता है देन आपका आता है अप्लाई इन रिप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। आप किसी रिप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, सच ए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हो गया आपके पास पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गए लाइक आपके पास ORF हो गया, IDSA हो गया, NGOs हो गए, आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपके पास नेट JRF की क्वालिफिकेशंस होती हैं आपको और बेहतर समझा जाता है, आपको सुपीरियर समझा जाता है एंड उन्हीं के थ्रू आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका इजीली मिल सकता है लाइक पॉलिसी रिसर्च एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस। देन कम्स योर फोर्थ सेक्शन दैट इज गेस्ट फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स। आप जब नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, JRF कर लेते हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यू कैन ट्राई फॉर बीइंग अ गेस्ट लेक्चर, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में जा सकते हैं लाइक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप गेस्ट फैकल्टी के आप ट्राई कर सकते हैं टू बीइंग अ गेस्ट फैकल्टी, जहां पर आपको पर डे पे भी किया जाता है। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस थिंग, आप लेक्चरशिप के लिए तो ट्राई कर ही सकते हैं बट एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। यू हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू हैव MED यूनिवर्सिटी, यू हैव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। देन कम्स योर बिकम अ कंसल्टेंट और काउंसलर लाइक IDCIL, यहाँ पर आप जाके एजुकेशनल काउंसलर भी बन सकते हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काउंसलर भी आप बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, तो ये आपका
नेक्स्ट पॉइंट था. देन आता है आपका पॉइंट वर्क एज ऑथर एंड लैब असिस्टेंट. आपका जब जेआरएफ नेट क्लियर होता है आप एक ऑथर के थ्रू भी काम कर सकते हैं. आप अपनी बुक्स लिख सकते हैं, यू कैन राइट एन आर्टिकल और जर्नल ऑल्सो अपने नाम पे. आप अच्छी खासी आप पब्लिशिंग अपने लिए कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर नेट यूजीसी एग्ज़ाम. तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं. आपको पता होना कि आप नेट एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं. वाई आर यू गिविंग योर नेट एग्ज़ाम. सो यू गिव योर नेट एग्ज़ाम फॉर दीज थिंग, जहाँ पर आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो आप कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो सबसे कॉमन है दैट इज़ दिस पॉइंट लेक्चरर, जिसके लिए आपके ये पॉइंट्स भी होना ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे. अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके आर्टिकल्स अच्छी खासी अगर जर्नल में हैं, यूजीसी जर्नल्स विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, आपका लेक्चरर बनने का ड्रीम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. आप बन सकते हैं, वो ड्रीम आपका रियल हो जाता है. देन आप जेआरएफ भी कर सकते हैं. बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप काउंसलर वाइज भी काम कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.